पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी अभी भी वो खेल खेलना चाहती है, चोरी छुपी से करना चाहती है, पर्दे के पीछे रह करके देशवासियों की आंख में धूल झोंक करके वो खेल खेलना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटका में, ये जरा मेरे भाई बहन सुन लीजिए बराबर, कैसा पाप किया इन्होंने। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है। अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस लगातार धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नाम लेकर कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। साथियों, कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीनकर उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ी, एक से ज्यादा मोटरसाइकिल, एक से ज्यादा घर होगा तो कांग्रेस कहती है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आपका जो एक से अधिक है वो कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, जब्त कर लेगी। आपका गांव में घर है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, शहर में एक घर बनवा लिया तो अब कांग्रेस कहती है वो ऐसा कानून लाएंगे एक ही घर रख सकते हो, दो है तो एक दे दो, ताकि वो अपने खास लोगों को बांटना चाहते हैं। वो कहते हैं एक्सरे करेंगे, एक्सरे देश का, और देश की महिलाओं के पास कितने गहने हैं उसकी भी जांच कराई जाएगी, किस महिला के पास कितना स्त्री धन है उसकी भी जांच कराई जाएगी, मंगलसूत्र कैसे छीन लिया जाए उसकी योजना बनाई जाएगी। ये सब संपत्ति, सोना चांदी छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक मजबूत करने के खेल खेल रही है, और इस बात का वो कांग्रेस के नेता अपनी रैलियों में खुला ऐलान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति किसी को भी छीनने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? ऐसे छीनने वालों को आप माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस कैसे आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है इसका एक और उदाहरण आज देश के सामने आया है।
कांग्रेस के शाहजादे के सलाहकार, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, यानी आपके दादा दादी माता पिता ने जो कुछ भी बचाया है और उनके स्वर्गवास के बाद जो आपको मिलेगा उसमें से आधा कांग्रेस सरकार हड़प करना चाहती है। बताइए, आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाई करके आपके लिए छोड़ा है वो उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? आपका अधिकार है कि नहीं है? ये आपके परिवार की मेहनत की कमाई है कि नहीं है? क्या आपको को छीनना चाहे तो छीनने देंगे क्या, लेने देंगे क्या? क्या ऐसा सोचने वाली कांग्रेस को सत्ता में आने देंगे क्या? क्या उनके लिए लूट चलाने का रास्ता खोल देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये सोच कैसी है? अरे हमारे देश में तो अलग संस्कार है, अलग संस्कृति है, और कांग्रेस के नेता इस बयान पर बवाल के बाद अब कांग्रेस झूठ बोल रही है कि ये तो शाहजादे के सलाहकार की व्यक्तिगत राय है। लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2011 में भी कांग्रेस ने इनहेरिटेंसी टैक्स की वकालत की थी। कांग्रेस के तब के एक बड़े मंत्री ने प्लानिंग कमीशन में कहा था कि इनहेरिटेंस टैक्स का विचार किया जाए, विरासत पर टैक्स लगाने की कांग्रेस की पुरानी इच्छा से कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती। साथियों, हमारे देश में मेहनत करके थोड़ा थोड़ा बचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ संपत्ति छोड़कर जाने की परंपरा है। कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन दादा सोचेगा, दादी सोचेगी, नाना सोचेगा, नानी सोचेगी, एकाध अगर चीज है तो संभाल के रखती है कि मेरी पोती बड़ी होगी ना तो उसकी शादी में काम आएगा, मेरा नाती बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी में काम आ जाएगा। 20-20, 30-30 साल तक वो संभाल करके रखते हैं, मुसीबत के समय में भी निकाल करके खर्च नहीं करते हैं। क्यों? उनके मन में यही इच्छा रहती है कि जाऊं तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं। अब ये लोग कह रहे हैं अब जो छोड़ोगे ना उस पर आधा हिस्सा हमारा रहेगा। क्या आप ये मंजूर कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पैर रखने देंगे क्या? हिंदुस्तान में पैर रखने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे तो साफ दिखता है कांग्रेस का मंत्र है, आप भी ये मंत्र याद रखना कांग्रेस का, और घर घर जाके बताना ये क्या मंत्र है कांग्रेस का। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी, ये है कांग्रेस। इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। साथियों, आज जब देश 25 साल के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, अगले 5 साल का रोड मैप बना रहा है, और सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन के निर्णयों पर काम हो रहा है,
तो इंडी गठबंधन वाले भी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। आपको ये सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई, इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें, नाम तो बताना चेंज भाई। आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ